नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा प्रत्याशी दुड़ाराम के खिलाफ फतेहाबाद में शहरवासी सड़कों पर उतर आए, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पपीहा पार्क के सामने एकत्र होकर के दुड़ाराम के खिलाफ वोट डालने का भी ऐलान किया गया। पपीहा पार्क के सामने हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो गए। शहरवासियों को संबोधित करने वाले भाजपा नेता ने कहा कि कब्जाधारी और भ्रष्टाचारी दुड़ाराम को वोट नहीं देंगे। जुलूस के रूप में शहरवासियों ने नारेबाजी भी की, पूरे शहर में लोग घूमे। पलवल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद में बीजेपी उम्मीदवार दुड़ाराम के खिलाफ शहर में हजारों लोग मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि देर रात को शहर में हजारों लोग उस समय एक साथ खिलाफत पर उतर आए जब पंजाबी समुदाय की एक मीटिंग में दुड़ाराम के कुछ लोगों ने मीटिंग में मौजूद लोगों को धमकाने पहुंच चुके थे। मीटिंग करने वाले शहर के समाज सेवी लोगों ने दुड़ाराम के कथित लोगों के खिलाफ और उनकी हरकत के बाद एकत्र होकर के दुड़ाराम मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। दुड़ाराम को भ्रष्टाचारी और चोर बताया। शहर भर में जुलूस निकाला गया। लोग वहां पर हजारों की संख्या में एकत्र होकर के समाज सेवी लोगों ने यहां पर बीजेपी के नेताओं ने सरेआम दुड़ाराम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दुड़ाराम के खिलाफत में उतरे बगावत करने वाले लोगों में हजारों की संख्या थी और उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए पुलिस को बुलाना पड़ा। लोगों की पुलिस के साथ भी बहस हुई। किसी तरह से बातचीत कर मामला शांत किया गया। लोगों ने कहा कि दुड़ाराम के गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। और आपको भी सुसाइड करना पड़ेगा साहब, क्योंकि आपने इतने पैसे लगा दिए दुड़ाराम के ऊपर, इस भ्रष्टाचारी के ऊपर, इस जेबचारी के ऊपर, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है जो नहीं लगता। तो मेरे साथियों, मेरी आपसे विनती हाथ जोड़ के कि आप अपना एक एक कीमती वोट, आप अपने एक एक कीमती वोट दुड़ाराम के खिलाफ डालेंगे, दुड़ाराम के खिलाफ आप डालेंगे वोट। सीएम बन जाती है, लेकिन हम ना आज भी सीएम साहब की बात को ही फूल चढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि मैं भ्रष्टाचारी को पसंद नहीं करता, तो फतेहाबाद की जनता से भ्रष्टाचारी को खत्म कर रही है। हमने सीएम साहब की बात आपको मैं इंसान बता दू, हमारे जो साथी है जो है दुड़ाराम के साथ लगे हुए, वो कहते दुड़ाराम हमारा ये कर देगा वो कर देगा। आप लोगों को एक बात बता दू, जो भी दुड़ाराम को दूरिये से दुड़ाराम चौधरी बदलना था, ये बात आप सभी मानते हो कि चौधरी बदलवाल ने मुख्यमंत्री ने उसे चौधरी दुड़ाराम बनाया, वो अपना वो चौधरी बदनलाल जब अस्पताल के अंदर अपनी आखिरी सांसें गिर रहा था, उस टाइम चौधरी दुड़ाराम के घर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोल गप्पे और गलेटियां खा रहा था, ये बात आपको बता दू। और जो अपने बाप का नहीं हुआ, ये दुड़ाराम अपने बाप का नहीं हुआ, एक मेरी बात और सुन लो, डॉक्टर का निशान कैंडिडेट दुड़ाराम, डॉक्टर का निशान कैंडिडेट दुड़ाराम, हाथ का निशान कैंडिडेट दुड़ाराम और फूल का निशान कैंडिडेट दुड़ाराम, ये क्या तरीका है? जिन्हें आप फतेहाबाद की जनता के अंदर बिल्कुल अकल नहीं है, क्या उनका खुद का दिमाग नहीं है? जिस तरह बोल बोलेगा उसी तरह मुड़ जाएंगे। ये धक्काशाही, ये तानाशाही, पैसों के दम पे राजनीति ना तो अब होने चाहिए। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है, हर बंदे के अंदर दिमाग है, हर बंदा अपना दिमाग रखता है। अब दुड़ाराम कभी पहले भी तीन बार हार चुके हैं, इस बार भी वो भी जितने बड़ा, और एक बात और सुन लो, हैट्रिक होगी, हैट्रिक
एक विकेट, दो विकेट, तीन विकेट, परमात्मा होकर पूरी करनी है। ये कोई हमारे समाज की लड़ाई नहीं है, ये आप फतेहाबाद विधानसभा के हर बंदे की लड़ाई है, हर वोटर की लड़ाई है। मैं आप लोगों को सिर्फ हाथ करके ही विनती करूंगा, अपना वोट सोच समझ के अपने दिल पे हाथ रख के आपके घर में डाल रहे हैं। मैं दो नारे लगूंगा, सिर्फ गली गली में शोर है, विधायक चुनना था, उसमें ये भी निर्णय नहीं हुआ कि किसको चुनना है। इतने में 15-20 कुंडे चौधरी जोड़ाराम ने भेजे, उसने ये देखा कि मेरे हक में फैसला नहीं जा रहा, तो उन्होंने आके हमें धमकाना और गुंडागर्दी करने की पूरा हिसाब दिया। हम बड़े परेशान होकर बड़े हाथ जोड़े, किसी ने हमारी आवाज नहीं मानी। हम शहर से बाहर निकले, यहाँ झंडे लेके आ गए। हम इन लोगों से बहुत परेशान हैं, कभी किसी का डंडा लेके आ जाता है, कभी किसी का आता है, कभी किसी का आता है। अब मतवाले इसने सारे शहर में कब्जे कर रखे हैं, हम इसको छुटकारा पाना चाहते हैं, जनता से वोट मांगना चाहते हैं और अपने ये इसलिए ये बदतमीजी किया है, पर्चा दर्ज कराएंगे। ये दुड़ाराम ने किया है, उसके ऊपर कराएंगे। वो पहले भी दो बार मीटिंग डिस्टर्ब करी, पहले उन्होंने किया है। ये बीजेपी का विरोध था या फिर किसी बीजेपी का? दुड़ाराम, दुड़ाराम का, दुड़ाराम का, बीजेपी का कोई विरोध नहीं, दुड़ाराम का विरोध है। बीजेपी के खिलाफ ही करेंगे फिर वोट आप? नहीं, हमारा वोट दुड़ाराम के खिलाफ करेंगे हम। दुड़ाराम के खिलाफ वोट तो देने वाले थे बीजेपी को, 76,000 वोटों से जिताया था पिछली बार। क्या नाम है जी आपका? भीमसेन आनंद। Thank you.